नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। 31 दिसंबर की दोपहर सड़क हादसे में एक महिला की मौके वारदात पर ही मौत हो गई है। भातकुली पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। एक तरफ जहां पूरा शहर नए साल की खुशियां मनाने की तैयारियों में जुटा था, तो दूसरी ओर सड़क हादसों ने दिल दहला दिया। कहीं खुशी तो कहीं मातम देखने को मिला। भातकुली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले लोनटेक चौराहे पर तेज गति से आ रहे ट्रक ने होंडा एक्टिवा को पीछे से उड़ा दिया, जिसमें एक महिला की मौके वारदात पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर की दोपहर भातकुली तहसील के गनोजा देवी निवासी उषा नारायण गाडबैल उम्र 45, यह महिला अपने 25 वर्षीय बेटे शशांक के साथ दुपहिया वाहन होंडा एक्टिवा क्रमांक MH27BJ2640 से अमरावती की ओर जा रहे थे कि तभी अपनी तेज रफ्तार से ट्रक क्रमांक MH27J4192 ने होंडा एक्टिवा को पीछे से उड़ा दिया, जिसमें होंडा एक्टिवा पर सवार उषा नामक महिला की वारदात स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका लड़का बुरी तरह से घायल हो गया। भातकुली पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने ट्रक चालक आरोपी सतीश अशोक नेतनवार को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले जूनी बस्ती के हिंदू स्मशान भूमि समीप अज्ञात वाहन चालक ने 3 राहगीरों को उड़ाया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बढ़ती यातायात को अगर देखा जाए तो सड़क हादसों की घटनाओं में इजाफा ही देखने को मिला है। निरंतर हो रहे सड़क हादसों से वाहन चालकों में भय का वातावरण निर्माण हो गया है। तेज गति से वाहन चलाने वाले रेसर राइडरों की कमी नहीं है। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले स्मशान भूमि के समीप एक तेज रफ्तार वाहन चालक ने 2 महिला और एक युवक को उड़ा दिया, जिसमें एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जूनी बस्ती बडनेरा अंजनगांव बारी रोड पर हिंदू स्मशान भूमि के समीप से 2 महिलाएं एवं एक पुरुष पैदल जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आने वाले अज्ञात तेज वाहन ने इन तीनों को उड़ा दिया, जिसमें अनिता अर्जुन भगत उम्र 40 गांधीनगर बडनेरा निवासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि आशा रामचंद्र पोकड़े उम्र 55 तथा पंकज हीरालाल उके उम्र 19 यशोदा नगर निवासी यह बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन पर उपचार जारी है। बडनेरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। नए साल के आगाज पर 31 दिसंबर की सुबह आरोग्यम अस्पताल के कर्मियों ने स्वच्छता कर स्वच्छता दिन मनाया। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम करते हुए और पूरे साल 2018 इस पूरे वर्ष स्वच्छता का संकल्प लिए अमरावती शहर के आरोग्यम अस्पताल के कर्मियों ने अपनी कर्तव्य दक्ष तथा मानवता का परिचय देते हुए 31 दिसंबर की रोज सुबह नमूना से राजकमल चौक तक स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अस्पताल कर्मियों ने सड़क की साफ सफाई कर स्वच्छता दिन मनाया। इस अवसर पर आरोग्यम अस्पताल के सभी कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद थे। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अंबा विहार में आपसी विवाद के चलते आरोपी कामेश साहू ने 30 दिसंबर को तड़के 2 बजे चाकू से मनोहर बानोले पर हमला कर दिया। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत रोजाना ही कहीं ना कहीं विपरीत घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। सरेआम गुंडागर्दी, मारपीट, बैकऑफ की जा रही है। शनिवार की रोज तड़के 1:30 बजे राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अंबा विहार में आपसी विवादों में चाकू तलवार निकालकर हमला किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंबा विहार निवासी कामेश अरुण साहू का आकाश मनोहर बानोले से आपसी रंजिश के चलते झगड़ा हुआ। यह झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट के दौरान आरोपी कामेश साहू ने आकाश बानोले पर चाकू और तलवार से हमला कर दिया। हमले में घायल आकाश को तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया। राजापेट पुलिस ने आरोपी कामेश साहू को दफा 324 के तहत गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि गिरफ्तारी के बाद इसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए VCN न्यूज। आइए स्वागत करते हैं साल 2018 का। इस सोच के साथ हमारा शहर स्वच्छ, सुंदर और सादगी भरा बना रहे,
एक दूसरों का सम्मान करें और बुराइयों से दूर रहें। एकता और अच्छाई का प्रतीक दर्शाता है मानव जीवन को। हम सभी दर्शकों का एवं शहरवासियों का शुक्र अदा करते हैं कि आप सभी ने हमें साल 2017 में ढेर सारा प्यार और सहयोग दिया। आप सभी दर्शकों को और तमाम शहरवासियों को VCN न्यूज परिवार की ओर से नए साल की प्यार भरी शुभकामनाएं, अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप सभी को साल 2018 की ढेर सारी बधाइयां। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। वाले साल को सलाम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जेप मल्टीपर्पज फाउंडेशन द्वारा स्थानीय टाउन हॉल में जेप महोत्सव 2017 संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी कलाओं की प्रस्तुति दी। खुद के लिए तो हर कोई जीता है, औरों के लिए जीने की संकल्पना लेने वाले जेप मल्टीपर्पज फाउंडेशन अमरावती तथा समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल के संयुक्त विद्यमान से 31 दिसंबर की रोज स्थानीय टाउन हॉल में जेप महोत्सव 2017 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मान्यवरों के करकमलों द्वारा किया गया। तत्पश्चात अमरावती जिले के विविध स्थलों से आए विशेष दिव्यांग बच्चों द्वारा नृत्य गायन की प्रस्तुति दी गई, जिससे वहां मौजूद दर्शक वर्ग मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के अवसर पर ज्येष्ठ समाज सेवक गोविंद कासट, श्रीज दार्वेकर, डॉक्टर सुभाष गवई, जेप फाउंडेशन के अध्यक्ष कोमल राउत, सचिव प्रवीण रुद्राकर, रामप्रसाद गिल्डा, प्रसाद दोड़के आदि मान्यवर मौजूद थे। स्थानीय सांस्कृतिक ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में बारी समाज का राज्य स्तरीय उपवर वधु परिचय सम्मेलन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम अध्यक्ष प्रवीण नेमाड़े, उद्घाटक शंकरराव सुने तथा उपस्थिति प्रमुख कमलकांत लाडोळे, सुनील खराटे, प्रकाश टेटू, अविनाश बदुकले, धर्मेंद्र दुधे, किशोर अंबाडकर, मधुकर लांडोरे, देवेंद्र भावे आदि मान्यवर व्यासपीठ पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में पानवेली पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। साथ ही बारी समाज उपवर वधु परिचय सम्मेलन में कुल 1100 से अधिक युवक युवतियों ने अपना नाम दर्ज किया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में आयोजकों ने दी अधिक जानकारी। आज इथे बारी समाज उपवर वधूवर परिचय मेळावा समिती चा 14वा राज्यस्तरीय परिचय मेळावा इथे आयोजित करण्यात आला होता। यामध्ये जवळजवळ या 14 वर्षापासून उत्तरोत्तर या बारी समाजाच्या म्हणजे उपवर वधू आणि उपवर वरांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे। यावर्षी या वधूवर परिचय मेळाव्याकरता एकूण 643 उपवर युवती व 496 उपवर युवक अशी नोंदणी झालेली आहे। जय हिंद मैदान नैवस्ती बडनेरा में शरीर सौष्ठव स्पर्धा का आयोजन
टीपू सुल्तान सेना द्वारा किया गया। जय हिंद मैदान नई बस्ती बडनेरा में शनिवार को आयोजित भव्य शरीर स्वास्थ्य स्पर्धा में कुल 80 स्पर्धकों ने सहभाग लिया। नावेद इकबाल बेस्ट पोजर बने विक्रम चांडक, नावेद इकबाल श्री रहे सर्वेश साहू तथा बडनेरा श्री का खिताब रोशन भुजभुजे को मिला। टीपू सुल्तान सेना बडनेरा व अमरावती जिला बॉडी बिल्डर एसोसिएशन की ओर से स्पर्धा का आयोजन किया गया था। बतौर अतिथि साजिद खान पठान, एडवोकेट शोएब खान, शेख इमरान, ललित झंझाल, प्रकाश बंसोड़, जावेद कादरी, इश्ताक ठेकेदार, कालू मोटवानी आदि मान्यवर उपस्थित थे। स्पर्धा में 55 किलो, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 व 70 किलो से अधिक 5 गुटों में रखी गई। निर्णायक के रूप में नीलेश सवई, विशाल शिंदे, बबलू सोनोने, संतोष कुकड़े, विकास पांडे, नासिर खान, नवीन जायसवाल, नागेश डोंगरे, राजेश विजयकर, आनंद लुंगीकर, जंगी जादू संकेत ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। इस स्पर्धा में 56 किलो में जुबैर खान प्रथम, शेख नावेद द्वितीय तथा महफूज खान यह तृतीय क्रमांक पर रहे। 60 किलो में अक्षय टिकेकर प्रथम, अजहर खान द्वितीय तो प्रवीण घोरमाड़े यह तृतीय स्थान पर रहे। 65 किलो में शुभम कड़ू पहले स्थान पर, रोशन भुजबे द्वितीय स्थान पर, अजय इंगले यह तृतीय स्थान पर है। 70 किलो में आकाश राजपूत पहले स्थान पर, सनावर खान यह द्वितीय स्थान पर तथा जुबैर खान यह तीसरे स्थान पर रहे। 70 किलो से अधिक श्रेणी में सर्वेश साहू यह पहले स्थान पर रहे, विक्रम चांडक यह दूसरे स्थान पर तथा अक्षय पतंग राय यह तीसरे स्थान पर रहे। इस अवसर पर साजिद खान पठान, मोहम्मद इरफान, जावेद तेली, सरदार खान, गुड्डू हमीद, खालिक पहलवान, शेख किरफान, बंडू धामने, जावेद कादरी, अज्जू खान, हसनेज नियाजी, नदीम अहमद, शोहेब परवेज आदि मौजूद थे। प्रैक्टिस के लिए बहन फालतू धंदत नहीं रहले पाहिजे, कम से कम असे चांगले वाटते, आपला गर्व रहते, नाव रहते। खबरों में अब वक्त हो चला है यही रुकने का, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए VCN News। नमस्कार।